एट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। 25 दिसंबर की सुबह प्रतिभागी तैयार है, आज आउटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। सुलोंग वैली एक घाटी है, सुलोंग और साथ ही मनाली, तो इस नाते से बच्चों को इस वक्त इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। बसें ले जाने के लिए तैयार हैं, राज्य कार्यक्रम अधिकारी राम कुमार जी भी आए हुए हैं, साथ ही अन्य अधिकारीगण जो भी हैं, प्रशिक्षक वगैरह सब इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहे हैं किस प्रकार से ये भ्रमण का कार्यक्रम रहने वाला है। शिक्षक भी जा रहे हैं स्कूलों से और साथ ही बच्चे तो हैं ही, देखते हैं राज्य कार्यक्रम अधिकारी राम कुमार जी इस वक्त इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे भी पूरी मस्ती के साथ तैयार हैं इस वक्त। थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, आपस में भी एक दूसरे से बात करते हुए किसी को ये गलत मैसेज ना जाए, ठीक है? थैंक यू। मास्क लिया है सभी बच्चे? मास्क सभी के पास होना चाहिए। बच्चे पूरे तैयार हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह उनको दे दी गई है। आप देख सकते हैं कुछ जिलों के बच्चे इस साइट पर हैं और अब इनको आउटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। साथ जुड़ चुके हैं राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राम कुमार जी, जानना चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम रखा हुआ बच्चों का? आज जितने भी कैंप में बच्चे आए हुए हैं उन सबको सोलांग, अटल टनल ये सब दिखाने का प्रोग्राम है, क्योंकि वहां पर कुछ हेरिटेज है हिमाचल का, वो भी बच्चे जान पाएंगे और बर्फ को थोड़ा और नजदीक से देख पाएंगे। आज शाम तक का प्रोग्राम उनका, दोपहर तक का सोलांग वैली का, अटल टनल का, अंजनी महादेव टेंपल का और ब्यास रिवर के अंदर से रिवर क्रॉस भी करेंगे। श्री राम कुमार जी, क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे की बच्चे तो यहाँ पर कुछ और करने के लिए, लेकिन आज इनको जरा घुमाने फिराने के लिए ले जा रहे हैं? देखिए, घुमाना फिराना इसका भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। जी जी जी। नेचर स्टडी के साथ इसको जोड़ा हुआ है। सोलांग में जब जाएंगे बच्चे इस हेरिटेज को देखते हैं, अटल टनल को देखेंगे, साथ में ब्यास रिवर को क्रॉस करेंगे पत्थरों के ऊपर से, तो वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक जरूरी ट्रेनिंग भी है। तो सभी इंस्ट्रक्टर भी साथ में होंगे और अंजनी महादेव टेम्पल जाएंगे, नेचर के साथ नजदीक से जुड़ेंगे। दोपहर बाद का इनका जो कार्यक्रम है वो रखा हुआ है कि पूरा मनाली का भ्रमण, वहाँ पे जो भी दर्शनीय स्थल है मनाली के उन सबको देखेंगे, हिडिंबा टेम्पल भी जाएंगे, वशिष्ठ मनु और माल रोड पर घूम करके रात तक बच्चों की आज वापसी रहेगी, डिनर करेंगे वापस आकर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके सोमवीर जी, आप जानकारी दीजिए कि आज क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस वास्ते बच्चों को ले जाया जा रहा है? सर, आज नेशनल लेवल विंटर एडवेंचर फेस्टिवल 2021-22 का जो है आज दूसरा दिन है जी। यहाँ पे हम एक अप नॉर्थ जो है साइट है यहाँ पे आए हुए हैं जी। और बच्चे जो है बड़े आनंद से जो है यहाँ रह रहे हैं जी। और यहाँ पे रहने का सहने का बड़ा ही जो है बहुत अच्छा प्रबंध किया है हरियाणा सरकार ने जी, जी, जी। और आज जो बच्चे हैं वो सोलांग वैली जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ बर्फ में अपनी एडवेंचरस जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे जी। और यहाँ कल जो है कैंप में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कराई गई हैं जी। जो कि बहुत ही जो है रोमांचक थी और साहसपूर्ण थी। और यहाँ पे आप देखेंगे प्राकृतिक जो नज़ारा है जी। ये वास्तव में जो है एक प्रकृति का हमें तोहफा है और इसे देख कर ये लगता है कि सारी दुनिया जो है ऐसी जन्नत है और इन बच्चों का एक सपना था इस जन्नत को देखने के लिए और इस सरकार ने जो है इन बच्चों का ये सपना पूरा किया है। हम वास्तव में जो है अपने डिपार्टमेंट का और हरियाणा सरकार का जो है बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम हैं मॉल बाजार मनाली, मनाली का ये मॉल बाजार है और यहाँ तक बसों के जरिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी सुंदरता, जैसे मॉल रोड जो है शिमला का है उसी प्रकार से यहाँ का एक पास बाजार है, बहुत बढ़िया मॉल बाजार जिसको बोलते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी दुकानें और ये खड़े हैं हमारे कोटला क्षेत्र के और सडोरा क्षेत्र के हमारे बंधु, फोटोग्राफी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही खुशनुमा दृश्य, ऊपर देखिए पहाड़,
और बहुत अच्छी दुकानें चारों तरफ हमारे जो कैंप क्षेत्र से हरियाणा क्षेत्र से जो साथी आए हुए हैं वो चारों तरफ यहाँ पर छाए हुए हैं और समय दे दिया गया, बसें यहाँ तक पहुँचा दी गया है। डेढ़ से दो घंटे का समय इनको यहाँ पर घूमने फिरने का समय है और डेढ़ से दो घंटा यहाँ लगाएंगे ये और उसके बाद फिर यहाँ से फिर वे वापसी करेंगे। धूप निकली हुई है और इस धूप का मज़ा यहाँ पर पर्यटक सैलानी जो है ले रहे हैं। लंबी चढ़ाई के पश्चात अब हम पहुँचे हैं हिडिम्बा माता के मंदिर में। देखते हैं मंदिर में काफ़ी लंबी चढ़ाई 3.5 किलोमीटर यहाँ पर अभी ये पड़ाव यहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर हैं, सैलानी हैं और अब देखते हैं कि क्या ये आगे किस प्रकार से रास्ता है। चलिए नीरज जी, ये देखिए याक यहाँ की सवारी, क्या रेट है, क्या सवारी है भाई जी, है जी 200 रुपये सवारी। ये देखिए याक 200 रुपये में सवारी कीजिए। ये बादाम यहाँ पर आप बादाम खरीद, क्या रेट है जी बादाम दूंगा, कैसे आधा किलो 250 रुपये का, चलो आगे वापसी में देखेंगे, कोई बात नहीं लगा देंगे जी। चलिए अब रास्ते चलते हैं, इसके ऊपर बैठने की 50 रुपये है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए छोटा सा भालू, ये क्या चीज़ है जी, हाँ ये क्या है, ये कछुआ है, कछुआ, हाँ खरगोश, कछुआ लग रहा है मेरे को, नहीं खरगोश कछुआ है भैया, कछुआ, हाँ कछुआ, बालों वाला कछुआ, ठीक कह रहे हैं कछुआ। ये देखिए रास्ता सीढ़ी नुमा रास्ता अब स्टार्ट यहाँ से जाता है। ये देखिए नीरज जी आ रहे हैं, चलिए नीरज जी आगे बढ़िए, ये हमारे यमुनगर इलाके के बच्चे, आ जाओ बच्चों, आइए आइए आइए, शाबाश। चलिया सीढ़ी नुमा रास्ते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। किस तरह दे रहे छली, 50 रुपये, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, आसमान को छूते ये वृक्ष। अच्छा खासा सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं, ये मंदिर हिडिम्बा का मंदिर है और काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर आए हैं। हमारे एडवेंचर कैंप से भी काफ़ी बच्चे अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ के वृक्ष इस मंदिर की और शोभा बढ़ा रहे हैं। चलिए हम भी करेंगे दर्शन माता हिडिम्बा के। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में माता हिडिम्बा का यह मंदिर बनाया था। माता हिडिम्बा जो कि महाभारत कालीन में भीम की पत्नी घटोत्कच की जो माता रही, यहाँ पर माता काली और दुर्गा के रूप में हिडिम्बा को जो है पूजा जाता है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है और वर्ष में यहाँ पर मेला भी लगता है, बताते हैं बड़ी अच्छी मान्यता है इसकी यहाँ पे। नज़दीक से मंदिर अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब अलाउड नहीं है, तो आप नज़दीक से यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से गर्भ रह है, देख सकते हैं आप, ये देखिए इस गर्भ के ग्रह मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हैं। दृश्य है माल रोड पर, अच्छी खासी भीड़ सामने मंदिर माता दुर्गा का। और ये देखिए मार्केट, खचा खच पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट जो हरियाणा भर से यहाँ पर आए हुए हैं वही चारों, और हर दुकान पर अच्छी खासी भीड़। यह शिमला का माल रोड, उससे भी बड़ा ये माल रोड यहाँ पर बना हुआ है। सैलानी, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, जो सैलानी हैं पर्यटक हैं थ्रू आउट इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं।
खुशनुमा माहौल। देख सकते हैं चारों ओर वातावरण, ये श्री राम कुमार जी हमारे कार्यक्रम अधिकारी राज्य के। पर्यटकों के रूप में हैं हमारे एडवेंचर कैंप में आए हमारे विद्यार्थी, पूरा आनंद उन्होंने लिया। हर मार्केट में वो घूमे, खरीदारियाँ की। यहाँ पर तंबोला गेम के लिए टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी पूरी मस्ती के अनुसरण। ये देखिए तंबोला चलती है, प्राइज रखा हुआ मोटरसाइकिल बोल्ट और गाड़ी किसी और के काम भी आएगा। ये दूर से देख सकते हैं आर्ट पर, और ये देखिए बहुत अच्छा दृश्य है। हमारे कोटला स्कूल के विद्यार्थी आनंद ले, हाँ जी कैसा महसूस कर रहे हैं जी? बहुत अच्छा, हाँ जी हाँ जी बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर आपका लग सही है और खाया पिया कुछ नहीं? बहुत सर, कोई अच्छा घूमे फिरे, अच्छा लग रहा है जी, बहुत घूमे जी सर। जो आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से कम आ रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। फर्स्ट नंबर आओ, लगाई हुई है 200। खाने पीने की दुकानों पर विशेष भीड़ आप देख सकते हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर सैलानी आए हुए हैं। अच्छी अच्छी सुसज्जित दुकानें, हर सामान लेकिन महंगा, काफी महंगा सामान मिलता है यहाँ पे। आइए तो फिर तसल्ली लीजिए, अच्छी खासी गर्म करके आना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन कई मार्केट ऐसी है जिसमें सस्ता काफी सामान मिल जाता है, लेकिन इस माल रोड पर तो सारा ही मामला महंगा है।